हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है? क्या क्या हुआ मुझको? सब ठीक है। वो अफनान, रमशा की चची का फोन था। हाँ तो क्या कह रही थी वो? सब खैरियत है ना? वो शानी ने रमशा को डिवोर्स कर दिया है। क्या? मिनटों में यहाँ से क्या हो गया ना, शानी भी चला गया, सारा घर खाली हो गया। कल तक इस घर में कितनी रौनक थी ना, सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसी वीरानी हो जाएगी। अब इस घर के आंगन में वीरानियां राज करेंगी। अल्लाह, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अभी तक इस लड़की को यहाँ से निकाला क्यों नहीं। आवाज आ रही है मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? हाँ। इस लड़की को इस घर से निकाल बाहर करो। अब इसका यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तुम ये काम नहीं करोगी तो ये काम मैं अपने हाथों से करूंगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अनवर, मैं उसे कैसे निकाल सकती हूं? जवान लड़की है, कल को लोग हमें ही जालिम कहेंगे। वो मैंने अफशीन बीबी को फोन किया है, अब वो आती हैं तो पता चलेगा कि क्या होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है सलमा, सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारी मुरब्बत ने आज हमें ये दिन दिखाया है। पहले दिन से समझा रहा था इस लड़की पे सख्ती करो, पर नहीं, मेरी बात कभी नहीं सुनोगे तुम। क्यों बोल रही हो तुम? हमारी भी जवान औलाद है, जवान लड़की है, इन हालात का क्या असर होगा उस पे? जी, इसी बात से डरती हूँ मैं कि मैं भी एक जवान बेटी की माँ हूँ। अगर रमशा को घर से निकाल दूंगी तो इस बात का बहुत चर्चा होगा, और खुदा न खास्ता कल को इसी बात की वजह से मेरी बेटी के रिश्तों में रुकावट पड़ेगी। मैं ये सब नहीं कर सकती। जिस दौर से गुजर रहे ना, बहुत नाजुक दौर से गुजरे, और हमें बहुत सोच समझकर फूंक फूंक के कदम रखना होगा। एनी, तुम तो मेरी बात सुन लो। एनी, खाना रखा है, खाना हो तो खा लेना। चाची, एक दफा मेरी बात सुन। आप मुझसे कहती थी ना कि अम्मी नहीं है तो क्या होगा। आप मेरी माँ, आज आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। आपकी बेटी को तलाक हो गई। मुझे एक माँ के कंधे की जरूरत है जिस पे मैं सर रख के रो सकूं। ऐसे मुँह मोड़े मुझसे। चाची, मेरे और आपके बीच सिर्फ एक रिश्ता बचा है, उसको खत्म ना करें। सब कुछ तुमने खुद खत्म किया है। मैं मानती हूँ मैंने बहुत सी गलतियाँ की है, मुझसे बहुत से गुनाह हुए, लेकिन जो आप लोगों ने देखा है वो मुकम्मल सच नहीं है। आप एक दफ़ा मेरी बात सुन ले, मैं आपको सब बता दूँ। ये सच नहीं है जो आप लोगों ने देखा है। जो मैंने देखा सुना वो सच नहीं है तो सच फिर क्या है? क्या है सच, आज बता दो, जिसे सुन के मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। तुम्हें हमने सहारा दिया, अपने घर में रखा, हिमायत की हमेशा मैंने तुम्हारी, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा, और तुमने ये सिला दिया। यकीन जानो, अगर मेरी बेटी भी ऐसा कुछ करती ना तो उसे कत्ल कर देती। एक दफा मेरी बात सुन, एक दफा मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद चाहे ना तो आप मुझे कत्ल कर दीजिएगा, मुझे मंजूर है।